आगे डालना डिफरेंस बिटवीन यू ए आर डी डिफरेंस बिटवीन यू ए आर डी यू ए आर डी यू एस ए आर डी कॉमा यू एस ए आर डी USCRT and USB UART का फुल फॉर्म बताया था ना, क्या होता था बताओ? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस, बोलो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस और रिसीवर ट्रांसमीटर, और उसमें USCRT में यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस ना, इन तीनों के बारे में डिफरेंस लिखा है, लिख लेना, तीन लाइन खींचना। एक करा देना यू ए आर टी एक में यू एस ए आर टी और एक में यूएसबी। पहले तो फुल फॉर्म लिख लेना, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूएसएआरटी का यूनिवर्सल, इसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों हो जाएंगे, ठीक? उसमें सिर्फ एसिंक्रोनस था, इसमें क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूएसबी का क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। सर नया टॉपिक कब स्टार्ट करेंगे? कर देंगे। इसमें लिखना इट इज अ टू वायर, it is a two wire protocol protocol के नाम लिखना है TX और RX, TX और RX टू वायर प्रोटोकॉल, इट इज ऑल्सो टू वायर प्रोटोकॉल टी एक्स आर एक्स। ये भी टू वायर है लेकिन इसमें डी प्लस और डी माइनस, इट इज टू वायर प्रोटोकॉल डी प्लस और डी माइनस।
मतलब इसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ये है क्या? वायर। प्रोटोकॉल के नाम लिखिए। ये वायर है ना? हां, यूएसबी और यूएआरटी। यूएसबी केबल लिखी कि नहीं? यूएसबी पोर्ट। उसी तरीके से ये भी आपका यूएसएआरटी पोर्ट होता है, यूएआरटी पोर्ट होता है। दिखाई तो इसको नहीं दिखाया था। इसके बाद में लिख लेना इसमें। इसमें लिख लेना इट इज हाफ डुप्लेक्स। इट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता था बताया था कि नहीं? यस सर, ए ही साइड पे एक साइड से जाता है। दोनों साइड जाएगा लेकिन एक टाइम में एक ही साइड से। हाफ डुप्लेक्स। इसमें लिख लेना इट इज फुल डुप्लेक्स। It is full duplex. Last वाले USB भी आपका क्या बताएगा? Full duplex. दोनों साइड से एक ही टाइम में हो सकती है। Full duplex, हाँ। Full duplex मतलब दोनों साइड का एप्लीकेशन हो सकता है एक ही टाइम में। सिर्फ आपका UART क्या है? Half duplex. इसके अंदर लिख लेना इट इज स्लो कंपेयर देन USART। ये सबसे स्लो ये होता है, फिर ये और फिर ये। सबसे फास्ट कौन सा हो जाएगा आपका? USB। USB लिख लेना। अगला पॉइंट क्या लिख लेना? इट इज स्लो कंपेयर देन किसी कंपेरिजन में USART। It is slow. ये किसकी स्लो में तुलना में कम स्लो होता है? USB. Compare them. USB. और ये क्या होता है? It is fast. Compare them किसकी कंपेयर में? दोनों कंपेरिजन में फास्ट होता है, UART और USART। क्या सही कर लो? क्या सही कर लो? कंपेयर गलत है। वीडियो वाले जो पढ़ रहे हैं उनको सबसे कम आता है, इनको भी कंपेयर आता होगा। लेकिन ठीक है, जो पढ़ता होगा उसको देख के मजा आता होगा। ये क्या है सब? इसके बाद में अगला डालना आप वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर वाला आपका हो गया सारे, ठीक। वायर वाले सारे हो गए। अब अगली हेडिंग डालना वायरलेस कम्युनिकेशन। इरेज कर दे इसको। यस सर। अगला डालना वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस मतलब बिना तार के। कौन कौन सी चीजें यूज होंगी वायरलेस कम्युनिकेशन? वाईफाई, ब्लूटूथ, टीवी। इसे एग्जांपल लिख लेना बस। जानते हो भाइयों वायरलेस मतलब बिना तार के कम्युनिकेशन, ठीक। एग्जांपल में लिख लेना।
एग्जांपल लिखना मोबाइल मोबाइल कॉर्डलेस टेलीफोन पहले एक टेलीफोन आता था जिसमें वायर लगता था एक आता था जिसमें वायर नहीं रहता था हल्का सा एरियल लगा रहता था देखा है वॉकी टॉकी के जैसे रहता था वो फोन रहता था उसमें एरियल लगा रहता था वो सिग्नल से कैच करता था कॉर्डलेस टेलीफोन कमर जीपीएस वाईफाई जीपीएस जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है पोजीशन सिस्टम वाईफाई जीएसएम जीपीएस वाईफाई जीएसएम क्या सैटेलाइट सैटेलाइट और आपके हो जाएंगे 3G 4G नेटवर्क 3G 4G 5G सर आजकल बातें चल रही थी 5G बंद होने वाला है तो क्या 5G नेटवर्क बंद होने वाला है या जो उसमें वो फ्री डाटा बांटते हैं वो 3G 4G 5G नेटवर्क वाईफाई ब्लूटूथ वो हो गया वाईफाई हो गया वाईफाई हो गया कहाँ हो वो बात नहीं ब्लूटूथ ब्लूटूथ ठीक ये सारे आपके क्या हैं वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छा वायरलेस कम्युनिकेशन के जैसे एडवांटेज बताया जाए इसके फीचर्स क्या है इसके लाभ क्या है तो एक तो ये है कि हमको कॉस्ट कम पड़ती है ना हमको वायर नहीं बिछाना पड़ता है दूसरी चीज ये है कि आप जैसे वायर में क्या एडवांटेज बता सकते हो कि नहीं बताओ वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है बताओ मुझे क्यों इसमें तार कटने का कोई झंझट फास्ट होगी कम्युनिकेशन फास्ट होगी कम्युनिकेशन फास्ट होगी एक तो फास्ट होगी स्पीड इसकी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी ठीक दूसरी चीज इसमें कह रहा है मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन बहुत कम होगा भाई अब जैसे तार है कुछ दिन में सर धूप लगेगी सड़ जाएगा पानी पड़ेगा सड़ जाएगा लेकिन इसमें क्या खराब होगा नहीं तो दूसरी चीज क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत इसकी सस्ती है और कह रहा है द इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर वायरलेसली हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वायर में क्या है कि आपका जैसे जहाँ जैसे आपके घर पे टेलीविजन होता है वायर वाला उसको आप एक ही जगह पे रख के ही चला सकते हो सब जगह लेके नहीं घूम सकते हो लेकिन लैपटॉप आपका वायरलेस होता है आप उसको कहीं पर भी ले जाके चला सकते हो ठीक दूसरा कह रहा है इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर वर्कर्स डॉक्टर्स मतलब वर्कर्स वगैरह कहीं पर भी आना जाना है आपका कहीं पर भी उसको आसानी से ले जा सकते हो और यूज कर सकते हो यही सारे डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है ठीक वायरलेसली है क्या हैक कर सकता है वायर वाला है तो वो अगर आपके केबल को ही कन्वर्ट करके हैक कर सकता है लेकिन वायरलेस में क्या है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है पहला इसमें डालना ब्रॉडकास्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिखना टाइप्स ऑफ वायरलेस पहला इसमें डालना ब्रॉडकास्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो रेडियो देखा है कि नहीं यस सर देखा उसमें एंटीना लगा होता है ना मेरे घर में है उसमें वायर लगा होता है क्या नहीं नहीं ना वो भी कैसा है वायरलेस है लेकिन सर उसमें से हम लोग मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते वो लेकिन इट इज अच्छा ये कैसा होता है डुप्लेक्स होता है हाफ डुप्लेक्स होता है फुल डुप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स होता है सिंपल डुप्लेक्स होता है सिंपल डुप्लेक्स डुप्लेक्स कहां होता है इसमें क्या दोनों ओर से सिग्नल भेजे जाते हैं नहीं नहीं नहीं
इधर भेजे जाते उधर से क्यों जाते क्या हम इधर से कुछ भेज सकते हो क्या आप बोलोगे उधर जाएगा नहीं तुझे कैसा होता है इट इज सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मीडियम देख लेना इट यूजेस अ ट्रांसमीटर हाँ इट यूजेस अ ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिट द डेटा इसके अंदर एक ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है इसके बाद में अगला डालना आई आर ये लिख लिया इसके बाद में अगला आई आर इंफ्रारेड आई आर आई आर वायरलेस कम्युनिकेशन सेकंड नंबर आर का फुल फॉर्म क्या है सर इंफ्रारेड बोलते हैं आई आर रेड इंफ्रारेड हाँ रेड रेड नहीं होता लेकिन आर का मतलब रेड नहीं होगा मतलब आई आर पूरे को बोलते हैं इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो वेव्स होती है उसी को शॉर्ट फॉर्म में आई आर वेव्स बोलते हैं लेकिन इट यूज आई आर मतलब इंफ्रारेड ठीक आई आर रेडिएशन वेव फॉर कम्युनिकेशन जैसे ये रिमोट दिख रहा है इसमें जो एलईडी लगी है ये इंफ्रारेड है ये हम लोगों को आंखों से जलती भी नहीं दिख रही है दिख रही है किसी को लेकिन ये जल रही है इसको कैमरे में देखोगे तो ये जलती हुई दिखाई देती है सर किसी किसी में दिखती भी है किसी किसी में दिखती वो जो जिसमें दिखती है वो दूसरी एलईडी होती है वो सिग्नल एलईडी होती है वो अलग एलईडी जैसे टीवी वाले और टीवी वाले जो टीवी वाले रिमोट में दिखती है उसमें दो एलईडी का यूज होता है वो एक जो एलईडी जलती हुई दिखाई देती है वो सिग्नल एलईडी होती है वो सिग्नल देने के लिए होती है लेकिन जो दूसरी एलईडी होती है जो नहीं जलती है वर्क करने का काम वही करती है इंफ्रारेड एलईडी ठीक जो आपका क्या करेगी जो दिखती नहीं है हमको अगर इसको कैमरे में देखो तो कम जलती हुई दिखेगी ऐसे नहीं जलती दिखेगी सर देखिए देख लेना रखिए कैमरे में जला के देखेंगे मोबाइल के कैमरे में ऐसे नॉर्मल आंखों से आपको नहीं दिख रही है लेकिन मोबाइल के कैमरे में देखोगे तो दिखेगी देख लो लिखा है एलईडी वायरलेस लिखा था लिखवा दी देना इसकी वायरलेस कर देते लिख लेना एग्जांपल से लिख लेना इसके टीवी रिमोट टीवी रिमोट कार्स कम ऑडियो इक्विपमेंट्स कार्स
आइडियल इक्विपमेंट्स एंड अदर शॉर्ट रेंज एंड अदर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। अच्छा ये क्या होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि हमको ये दिखती नहीं है। ठीक, इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे अगर हमारे में मान लो एलईडी वाला बल्ब होता हमारे रिमोट पे, तो क्या होता कि हमारे सेल बहुत जल्दी खत्म हो जाती। अच्छा हमको कोई बहुत दूर का कम्युनिकेशन तो कराना है, जैसे आप लोग रिमोट टीवी कहाँ भाई कमरे में बैठे हो बस उतनी दूर कराना है कम्युनिकेशन, बहुत दूर का तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि इसकी बीम जो होती है बहुत कम, इसलिए हमारे सेल भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, बैटरी जो होती है बहुत ज़्यादा चलती है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है, ज़्यादा रेंज के लिए। जो एलईडी स्मार्ट टीवी वाले में आ रहा है ना, सभी टीवी में, जब सभी टीवी में रिमोट जो होता है उसमें यही होता है। एलईडी जो आप जो आ रहे हैं वो एलईडी जो एक अलग से लगा दिया जा रहा है वो सिग्नल के लिए होता है कि आपका रिमोट वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप नॉर्मली देख भी सकते हो, वो सिग्नल के लिए अलग होता है, वो ऊपर जलता है और जो तुम्हारे सामने होगा वो नहीं जलता है। क्योंकि एक ही एलईडी में कई सारी चीजें कर सकते हो, इंफ्रारेड भी कर सकते हैं, जैसे एक ही एलईडी देखा होगा कई कलर की आजकल जलती है, रेड ग्रीन ब्लू एक ही एलईडी, तो उसी के अंदर दोनों चीजें कर देते हैं, इंफ्रारेड भी कर देते हैं कलर भी डाल देते हैं। अगला लिखना सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जैसे आप लोगों ने घर पे देखा होगा डीटीएच, देखा है कि नहीं, डीटीएच या डी टू एच देखा है कि नहीं, एग्जांपल में इसमें डायरेक्ट टू होम ना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जहाँ पे जहाँ से सिग्नल भेजा जाता है एक वहाँ पे सैटेलाइट एक वहाँ पे एंटीना लगाया जाता है, यहाँ से सिग्नल को भेजा जाएगा, ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, जो तुम्हारे आपके स्पेस में पहले जो सैटेलाइट छोड़े गए, जो भी सैटेलाइट छोड़े गए उस सैटेलाइट पे जाके ये आपका टकराएगा और वहाँ से फिर आपके घरों पे भेजा जाएगा, जितने भी घर पे होंगे वो सारे सभी घर पे क्या सिग्नल को दिया जाएगा। पहले सिग्नल एक जगह से कहाँ दिया जाएगा, सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट के थ्रू फिर सारी जगह पे। आप लोगों ने सुना भी होगा जो ये एलन मस्क ये पूरा एक सैटेलाइट का नेट बना रहे हैं, उसका नाम मुझे नहीं समझ इसमें ध्यान आ रहा है, उसका प्रोजेक्ट कुछ नाम करके। अच्छा जो सैटेलाइट मतलब यूज नहीं होते होंगे खराब हो जाते होंगे वो आपस में ऐसे ही उड़ा करते होंगे पूरे की तरीके से पूरा कचरा, तो सैटेलाइट खराब हो जाते होंगे ऐसे, तो बहुत सारी खराब होंगी। हां तो वो ही डाउन कोई थोड़ी सी जगह थोड़ी ना स्पेस में कि जरा सा जगह भर गई तो क्या वो सैटेलाइट उड़ती ही रहती है। हां उड़ती रहती है हमेशा, देखो जैसे सही से तो सर्वर कहीं से आया करता है, जैसे ये तो आपकी वो हो गई मान लो तस्वीर हो गई ठीक, अब ये आपका जैसे सन हो गया सारी बात समझे, तो यहाँ पे आपके सैटेलाइट छोड़ जाते हैं जहाँ पे यहाँ की भी ग्रेविटी ना हो अंदर का भी ग्रेविटी ना हो, बीच में जाके वो लटक जाते हैं आपस ठीक। अब इसके इसको क्या करना है कि ये सिर्फ वही सर जो भी जितने भी जैसे हमारा पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है सूर्य के चक्कर लगाती रहती कि नहीं लगाती रहती, ना वो सूर्य के पास जा रही ना सूर्य से दूर हट रही, वो सिर्फ उसका चक्कर लगा रही उसी के ऑर्बिट में, तो वैसे ही सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो सैटेलाइट भी जाते हैं बस वो बीच में जाके और वो क्या करते हैं बस वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं। उनसे टकरा जाते हैं तो वही जब टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है बता रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत मात्रा में छोड़ जा रही है कई सैटेलाइट छोड़ने के लिए।
जैसे अगर आपने देखो एंटीना से, जैसे आपका एक तो रेडियो वाला, जैसे आपने रेडियो सुना है, रेडियो में क्या होता है कि रेडियो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि यहाँ से अपना जो सिग्नल है, जो मतलब उनका जहाँ से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लखनऊ FM सुना कि नहीं, FM, तो इनका यहाँ से सिग्नल होता है, ये एक एंटीना, ये एंटीना बनाते हैं बड़ा सा एंटीना, उसके थ्रू सिग्नल भेजते हैं, तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, ये कुछ दूरी तक ही मतलब, जैसे आपने देखा होगा लखनऊ वाला ही सही से बाराबंकी में नहीं पकड़ता है, कैच नहीं करता है, तो इसकी एक रेंज होती है ठीक। लेकिन जो सैटेलाइट के थ्रू जाता है, तो ये जब जाता है तो ये पूरी पृथ्वी के लगभग जिस तरफ से है उस तरफ पूरी पृथ्वी को ये कवर करता है। ये वेव्स होती है ना, तरंगे, ये वेव्स ही तो भेजी जाती है, जैसे आप लोग यहाँ से इंफ्रारेड रिमोट से भेज रहे हो, रिमोट से वेव्स टीवी के पास तक जा रही है, बहुत शॉर्ट रेंज है ठीक। इसे देखिए जो आपकी सैटेलाइट वेव्स है उसमें जो हम करेंगे बहुत हाई वेव्स करेंगे, अल्ट्रावायलेट वेव्स को बनाया गया कि पहले से ही सारी वेव्स है। कुछ वेव्स हमको दिखती है, कुछ वेव्स नहीं दिखती है, जो हमारी कैपेसिटी से आगे है वो नहीं दिखती, जो कैपेसिटी से कम है वो भी नहीं दिखती है। जैसे सारी वेव्स ही यूज की जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरे होता है, एक्सरे देखा है,